नमस्कार, आर एस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम मकुटी बनाना सीखेंगे। ये रेसिपी बिहार की शादियों की फेमस डिज़र्ट है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने तीन, देखिए इस कलछी, छोटी कलछी से तीन कलछी मूंग दाल और 1.5 कलछी चावल ले लिया है। इसे हमने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। अब हम इसे, इसमें का पूरा पानी निकाल के कुकर में डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देते हैं 2 कटोरी। मतलब हमारा ये पूरा दाल और चावल अच्छी तरह इसमें डूब जाना चाहिए, इतना हमें पानी डालना है। इसे हमें 3 सीटी आने तक पकाना है। इसे हमें पूरा ओवर कुक करना है, पूरा गला लेना है। जब तक तो वो पकता है तब तक हमें साइड में ये दूध रख लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह उबाल आने देंगे। देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। तो उबाल आने के बाद इसे हमने 5 मिनट तक और पका लिया है। इधर हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है तो इसे खोल लेते हैं और इस तरह देखिए इसे चम्मच से पूरा अच्छे तरह मिक्स करना है और पूरा इसे मैश कर लेना है। ये अच्छी तरह पूरा गल चुका है। अच्छी तरह मैश करने के बाद इसे हम अब दूध में डालेंगे। दूध भी देखिए पकते पकते थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे इस दूध में दाल चावल का जो हमने मिश्रण पकाया था उसे अब डाल देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसी तरह से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए मिक्स हो चुका है। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए 6 से 7 मिनट तक और पकाना है ताकि और ये गाढ़ा हो जाए। और इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे तली में लग सकता है। 6-7 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप खोया या मावा, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। मावा डालने के बाद हमें 5 मिनट तक और पका लेना है। पाँच मिनट के बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। 1 कप में 3 चम्मच शक्कर कम है, इतना हमने डाला है। शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे अभी हम 5 मिनट तक और पका लेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर और केसर भी डाल सकते हैं। 5 मिनट पकाने के बाद हमारा ये मकुटी बनके तैयार हो जाएगा और लगातार चलाते ही रहना है हमें इसे। देखिए और गाढ़ा हो चुका है पहले से। तो अब हम ये गैस बंद कर देते हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ काजू, बारीक कटा हुआ पिस्ता और बारीक कटा हुआ बादाम। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को घी में हल्का सा फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए हमारा टेस्टी सा मकोटी बनके तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।